नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कोई रहस्यमय एब्डोमिनल पेन ने जकड़ के रखा है जो आपको लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में होता है, जो कि आपको परसिस्टेंटली बना रहता है और इसके लिए आपने काफ़ी सारे डॉक्टरों से कंसल्ट भी करा है और काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस भी कराए हैं, पर वो सारे इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कुछ भी फाइंडिंग्स नहीं निकली हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है और इस मिस्टीरियस एब्डोमिनल पेन को मैं पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर डिकोड करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंत में ही आपको पता चल पाएगा कि ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो दोस्तों, वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस मिस्टीरियस एब्डोमिनल पेन की, जो कि जनरली लोगों के अंदर पाया जाता है। मेरे पास, मेरी प्रैक्टिस में 15 साल में कम से कम सैकड़ों ऐसे केसेस आ चुके हैं जो कि इस प्रकार के एब्डोमिनल पेन से ग्रस्त थे, और वो मेरे पास बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को विजिट करने के बाद, एलोपैथों को विजिट करने के बाद पहुँचे थे। और रिगार्डिंग दैट, उनके जितने भी छोटे से बड़े इन्वेस्टिगेशन करे गए, पर क्योंकि वो उन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कुछ भी फाइंडिंग्स में नहीं मिला था, इस वजह से वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर टू डॉक्टर और ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट टाइप पे भटकते रहे। तो दोस्तों, ये है क्या, पहले ये होता कैसा है हम ये समझ लेते हैं। ये जो दर्द है, मैं आपको खड़ा होकर के बताता हूँ। ये जो दर्द है, जैसे कि ये मेरा लेफ्ट है, मेरा ये लेफ्ट साइड एब्डोमन है, मेरे लेफ्ट साइड के एब्डोमन के चेस्ट वाला हिस्सा और एब्डोमेन वाले हिस्से के जस्ट जॉइंट पे होता है। ये किस प्रकार का दर्द होता है? ये परसिस्टेंटली रहने वाला, कंसिस्टेंटली रहने वाला एगोनाइजिंग पेन की तरह होता है। इसकी जो सीवियरिटी है वो बहुत नहीं के बराबर से लेके काफी सीवियर तक हो सकता है। इसके कई सारे इन्वेस्टिगेशंस लोग कराते हैं, पर वो जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो जनरली किसी काम नहीं आते हैं। तो ये दोस्तों है क्या, ये है स्प्लेनिक फ्लेक्चर सिंड्रोम। स्प्लेनिक फ्लेक्चर क्या होता है? स्प्लेनिक फ्लेक्चर मतलब जो हमारा कोलोन होता है, हमारी जो बड़ी आंत होती है, वो बड़ी आंत जो है वो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, चार उसके तीन भाग होते हैं, बेसिकली चार होते हैं, क्योंकि एंड में सिग्मॉइड कोलोन भी होता है जो रेक्टम से जुड़ता है। तो जब असेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन में की तरफ डाइवर्ट होता है, तो यहां पे एक मोड़ आ रहा है जिसको बोलते हैं फ्लेक्चर। तो ये है असेंडिंग कोलोन, ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये है डिसेंडिंग कोलोन। तो जो असेंडिंग कोलोन के पास जो यहां पे फ्लेक्चर, मतलब जो टर्न लेता है कोलोन, उसको बोलते हैं हिपेटिक फ्लेक्चर। और जो, क्योंकि यहाँ पे लीवर है इसलिए इसको हिपेटिक फ्रैक्चर बोल रहे हैं हम, ये राइट साइड की बात कर रहे हैं। और राइट से ये ट्रांसवर्सली लेफ्ट की तरफ जाता है और लेफ्ट से नीचे डिसेंड होता है डिसेंडिंग कोलोन के रूप में। अब क्योंकि ये जो एरिया है ये स्टोमक और स्प्लीन का एरिया है, तो इसको कहते हैं हम स्प्लेनिक फ्लेक्चर, मतलब कोलोन का वो टर्न जो कि स्प्लीन के बगल से होते हुए कोलोन जो है ट्रांसवर्स से डिसेंडिंग कोलोन के रूप में टर्न लेता है। तो यहां पे मित्रों, बेसिकली होता क्या है, ये क्यों दर्द होता है, कि ये जो कोलोन का, जो स्प्लेनिक कोलोन का जो टर्न है वो थोड़ा सा ऑब्लिकली ऊपर की तरफ जाने के बाद वो नीचे टर्न लेती है, और इस एरिया के अंदर बेसिकली गैसेस, फर्मेंटेशन और इनडाइजेशन के वजह से बनी हुई जो गैसेस हैं, वो गैसेस यहां पे ट्रैप हो जाती हैं। और ये जो गैसेस होती हैं, बेसिकली ये गैसेस ही रिफर्ड पेन के रूप में हमको इस रीजन के अंदर जो पेन और अनकंफर्टेबलनेस लगती है, ये बेसिकली उसका कारण है, और इसी वजह से ये दर्द होता है। और इसलिए फाइंडिंग्स नहीं निकलती, क्योंकि जब भी ये फाइंडिंग्स में इन्वेस्टिगेशन करे जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन सारे के सारे नॉर्मल निकलते हैं, क्योंकि हवा तो दिखती नहीं, वो गैस है, वो हवा है, वो हमें नहीं दिखेगी। तो मित्रों, ये बेसिकली स्प्लेनिक फ्लेक्चर सिंड्रोम है। इसका गूगल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि आप वहां पे इसको लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपके पास गूगल का पेज खुलेगा, उसमें जो जितनी साइट्स हैं आप उस पर स्टडी करें, तो शायद आपको पता चल जाए कि आप किस चीज से ग्रस्त हैं। अब इसके इन्वेस्टिगेशन
तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो लोग करा के आते हैं, वो नॉर्मल निकलते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है? मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली इसका मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लोगों के सामने रख देता हूं। होम्योपैथी में एक रूब्रिक है जिसको बोलते हैं मेडिसिन एक्टिंग ऑन द स्प्लेनिक फ्लेक्चर। उसके अंदर जो दो मेन मेडिसिन है, बिल्कुल मैं सीधे सीधे, ये वो पार्ट है वीडियो का जिसके लिए आपको मैं इसको अंत तक देखने के लिए बोल रहा हूं। और ये जो मेडिसिन है बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो मेडिसिन है, और इन मेडिसिन को आप अपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से बिल्कुल ले सकते हैं और बिल्कुल आप इस बीमारी के अंदर जड़ से लाभ पा सकते हैं। ये जो दो मेडिसिन है, ये है एक लाइकोपोडियम और जो दूसरी है वो है ब्रायनिया एल्बा। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है बेसिकली गैस फॉर्म होने के कारण हुआ, ये गैस जो है वहां पर ट्रैप हो गई। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कुछ मतलब पिक्चर्स अपलोड करने की जिसके अंदर आप देख पाएंगे, और अगर आप वीडियो को अंत तक देखने के चक्कर में स्किप करके आगे आ गए तो वापस जाइए और बीच में उन पिक्चर्स को आप देख सकते हैं। क्योंकि ये गैस है तो हमको वी शुड गिव अ मेडिसिन विच इम्प्रूव द डाइजेशन ऑफ पेशेंट, तो उसके लिए माफ कीजिएगा आप चाइना भी दे सकते हैं। तो जो तीन प्रीलिमिनरी मेडिसिन है स्प्लेनिक फ्लेक्चर सिंड्रोम में, वो किस रूब्रिक से चुनी है कि मेडिसिन एक्टिंग ऑन द स्प्लेनिक फ्लेक्चर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लाइकोपोडियम, देन ब्रायनिया, और फॉर द सेक ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ डाइजेशन चाइना। अब आप सब लोग ये दवा लीजिए, किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की सलाह के बाद आप इन मेडिसिन का सेवन करिए, और आपको कितना फायदा हुआ है इन दवाओं से वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि आपका जरा सा भी ये वीडियो आपके काम आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्ते।